हमीरपुर जनपद के मौदा कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति के ऊपर मामूली विवाद में सरिये से हमला कर दिया गया, जिसे गंभीर हालत में सदर अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के मौदा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भवानी का है, जहां पर जमीन पर कांटेदार बाड़ लगाने को लेकर पड़ोसी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने व्यक्ति के ऊपर सरिये से हमला कर घायल कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्राम भवानी निवासी ईश्वरी जब अपनी जमीन पर कांटेदार बाड़ लगा रहा था, तभी पड़ोसी परदेशी वर्मा से विवाद हो गया। विवाद अधिक होने पर पड़ोसी परदेशी ने ईश्वरी पर सरिया से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल को गंभीर हालत में यूपी 100 और परिजनों की सहायता से सीएससी मौदा लाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर सदर अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है और कोतवाली पुलिस ने भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, जबकि आरोपी फरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। हमारा नाम है सुमित। कौन है ये जिम के? ये हमारे दादाजी है, मतलब है हमारा और जो मारा है इनको, उनका और हमारा मतलब मकान अगल बगल है और उधर जागरा का जाप दिया था उसने, तो जागरा को काट दिया तो मतलब उसने मार दिया फुलाई से, फिर गिर गए तो मतलब कान वान मार दिया। भवानी रामपाल नाम है। ये जो घायल है आप कौन है? मेरा भाई है बड़ा। तो क्या मामला हुआ था? एक झाकर वो उसने गाड़ दिया, भाई साहब ने हमारे उखाड़ दिया, हमारे को गाड़ रहा था तो अब उखाड़ दिया। अच्छा, आपके में झाकर गाड़ रहा था जो इनने उखाड़ दिया तो उनने लाठी कुल्हाड़ी मार रहा था। कितने लोग थे वो? अकेले ही था। अच्छा, अकेले आदमी मार रहा था। इसके यहाँ मार गया, गिर गया फिर मारता ही रहा। क्या नाम है उसका? उसका परदेसी। कहाँ का मामला है ये? भवानी का मामला है, भवानी गांव डेरा, भवानी डेरा। हाँ, कल शाम को जो है थाना मौदा के ग्राम भवानी में ईश्वरी दीन वर्मा व परदेशी वर्मा पास पास में खड़े हैं, इनको रास्ते को लेकर कुछ बात था तो उसी में उनका झगड़ा हुआ, जिसमें झगड़े में जो है परदेशी ने तो ईश्वरी दीन के साथ मारपीट कर दी, वीर से घायल हो गया है, उसको इलाज है तो भेजा गया है, इलाज चल रहा है, तहरीर मिल गई है, उसके आधार पर मुद्दा पंचायत हो गया है, परदेशी बंद की तलाश जारी है, ठीक है, गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी। खुल गया, खुल गया, खुल गया। संपूर्ण भारत में आरटीओ रजिस्टर्ड बैटरी चलित रिक्शा मणि ई रिक्शा, हमारे यहाँ स्कूटी, सवारी रिक्शा एवं लोडर रिक्शा मिलते हैं। विशेषता, एक बार बैटरी चार्ज करने पर 100-140 किलोमीटर चलता है, वो भी 14 महीने की वारंटी के साथ, 24 ट्यूब कंट्रोलर, न धुआं, न प्रदूषण, न परेशानी, न आवाज। शहर की सड़कों पर होगा मेहनत कम, खर्चा कम, कमाई ज्यादा। अलग से फाइनेंस की सुविधा, सब डीलरशिप के लिए संपर्क करें मणि ई रिक्शा, प्रोपराइटर आदेश कुमारी, गोविंद सिंह आर्य। हमारा पता है PWD गेस्ट हाउस, करहल रोड, सिरसागंज, फिरोजाबाद। मोबाइल नंबर 9457626299, 9411046311। धन्यवाद।